हेलो एवरीवन एंड वन सेकंड वेलकम टू हार्डमैन क्लासेस। मैं सिर्फ सोनू हार्डमैन और आज से मैं आपको जीके भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, आज ये आपका डे वन है। आज हम जानने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में। इवेंट मतलब क्या, कि किस तारीख को क्या हुआ था, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ जिसमें देखिए हमारा पहला क्या है, वर्ल्ड फैमिली डे, मतलब विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हमारा 1 जनवरी को, ठीक है। ये मनाया जाता है कब, 1 जनवरी को मनाया जाता है। फिर क्या, वर्ल्ड टीचर डे, वर्ल्ड टीचर डे हम लोग कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम लोग 5 अक्टूबर को, ठीक है। और सिर्फ इंडिया में कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, वो तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में टीचर डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, और वर्ल्ड में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। फिर देखिए क्या है, अगर टीचर डे मनाया जा रहा है तो स्टूडेंट डे भी मनाना ही चाहिए, तो स्टूडेंट्स डे। तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है आपका यहाँ से 10 दिन बाद, मीन्स 15 अक्टूबर को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट बाकी के 4 की तरफ जाते हैं। पहला हमारा क्या, वर्ल्ड फूड डे, हम लोग विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है, मेरे साथ बोलिएगा, ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, तो 16 अक्टूबर को। फिर क्या, इंटरनेशनल इंटरनेट डे, मतलब हम लोग जो इंटरनेट चलाते हैं इसका भी विश्व के तौर पर एक दिवस मनाया जाता है, एक दिन इसके लिए रखा गया है। वो दिन कौन सा है, वो दिन है हमारा 29 अक्टूबर, ठीक है। 29 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व इंटरनेट दिवस। फिर क्या है, वर्ल्ड हार्ट डे, मतलब विश्व हृदय दिवस, ये कब मनाया जाता है, ठीक सेम डेट है, सिर्फ मंथ अलग है, मीन्स 29 सितंबर। इसे मैं इस प्रकार से लिया हूँ ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, मतलब कि विश्व साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसका मतलब क्या, कि साक्षरता मतलब होता है पढ़ा लिखा, हम लोग पढ़े लिखे हैं इसका भी दिवस मनाते हैं हम लोग, और वो डेट है हमारा 8 सितंबर को, ठीक है, 8 सितंबर को मनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, और मैं आपको 3 क्वेश्चन बताता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बाकी का बचा हुआ 3 क्वेश्चन क्या है, कि नेशनल यूथ डे, मतलब क्या कि राष्ट्र युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी को। ये सब जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके नॉलेज के इंपॉर्टेंट के, और आपके नॉलेज के व्यू से तो आपको पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये होता ही है। फिर क्या, आर्मी दिवस, आर्मी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 15 जनवरी को। कब मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं। अब क्या है, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, मतलब क्या NRI डे, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हम लोग मनाते हैं कब, 9 जनवरी को। अब ये देखिए, ये NRI का मतलब क्या होता है, कि नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, मतलब कि वह भारतीय जो भारत का होते हुए भी वो भारत में निवास नहीं करता है, नॉन रेसिडेंट मतलब वो भारत में रहता ही नहीं है, तो हम किसे मानेंगे कि वो भारत में नहीं रहता है। तो यदि कोई भारतीय, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, यदि कोई भारतीय इंडिया में 182 डेज से अगर वो कम रहता है, ठीक है, अगर कोई इंडियन इंडिया में 182 डेज से कम रहता है, तो उसे हम लोग मानेंगे कि वो एक NRI है, ठीक है, NRI है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे कहते हैं NRI दिवस एक मनाया जाता है, जो कि हमारा 9 जनवरी को मनाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही जीके में। अब मैं आपको बताऊंगा कल एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।